हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 9x² - 6b² - (a4 - b4) = 0 इसे हमें सॉल्व करना है और x का मान प्राप्त करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसे फैक्टर मेथड से हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि कोई न प्रोसेस के नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम फैक्टर प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न आपका परीक्षा में CBSE के आया हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि ये 2015 में आया है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये हो गया आपका 9x² - 6b² - (a² - b² = 0। दिस टेंस टू 9x² - 6b² - (a² - b² - 2 the power) = -(b² - 2 the power) = 0। वी नो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? a^m^n। तो इस प्रोसेस से ये आपका हो गया, मीन्स 9x² - 6b² - ये हो गया आपका a² + b² (a² - b² = 0। अब देखिए, इतना तो आप समझ चुके हैं कि a² + b² (a² - b² क्यों हुआ। अब चलिए, हमको फैक्टर मेथड से अगर सॉल्व करना है तो इसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करेंगे और फिर उसका फैक्टर करेंगे, ताकि ये बीच वाले के बराबर आ जाए। यानी अब इधर साइड में हम गुणा करते हैं, ये हो गया 9x² - (a² - b² (a² - b²). तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3x (a² + b² - 3x (a² - b² अब हमारा आता है ये बीच का टर्म, इतना लाना है जोड़ घटाव करके। तो चलिए देखते हैं कि -6b² (x) =
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3x बी स्क्वायर और माइनस 3x बी स्क्वायर, दो बचेगा और ये ए स्क्वायर कट जाएगा, तो इस प्रकार से माइनस 6b स्क्वायर आपका बच जाएगा। तो चलिए अब यहाँ हम सॉल्व आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस इधर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया, अब इसे जोड़ घटाव करेंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा, इस टेंस टू। अब इसमें देखिए 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। दिस टेंस टू, अब ये और ये माने ये और ये एक साथ आ जाएगा, तो 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू, अब देखिए ये बच गया और ये बच गया, दोनों समान है, तो 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दिस टेंस टू 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 एंड 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। दिस टेंस टू 3x स्क्वायर बराबर हो गया माइनस इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 एंड 3x ये बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस टेंस टू, ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा,
ये हो गया आपका 3x। अब ये x बराबर हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 3 बराबर 0 एंड एक्स बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 3। टू एक्स बराबर, अब ये माइनस इसके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 3, माइनस हट गया एंड एक्स बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 3। मीन्स एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स बराबर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 3 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 3। अब ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है।